जलंधर में भगत सिंह कॉलोनी के साथ लगती झुग्गी झोंपड़ी में सुबह 9:30 बजे के करीब गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग ने 30 झुग्गियां झोंपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। खबर के अनुसार वहां एक के बाद एक लगातार 9 धमाके हुए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वही बताया जा रहा है कि यहां पर गैस फिलिंग हो रही थी। झुग्गियों में 7 से 8 गैस सिलेंडर फटे हैं। हवा तेज होने के कारण बाकी झुग्गियों को भी आग अपनी चपेट में ले रही है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मेरा नाम सर राजेश है। तो अपना ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे इलीगल जो सिलेंडर फिल्ट्रेशन होती है यानी कि सिलेंडर में से गैस निकाली जाती है, आम जो कंज्यूमर है उनको सिलेंडर सप्लाई करने से पहले यहाँ पे सिलेंडर लाए जाते हैं और फिर उसमें से 3 से 4 किलो हर सिलेंडर में से गैस निकाली जाती है। और ये जो है ये अपना 8-10 साल से ये इनका चल रहा है। तो इनको मैंने काफ़ी बार मना भी किया है क्योंकि सुबह और शाम को जब ये निकालते हैं तो गैस की बहुत भारी बदबू आती है। तो उसकी वजह से मैं मतलब यहाँ पे आया था। तो इनके जो साथ वाले जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो आस पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया था कि ये वाला घर गैस निकालता है। तो मैं उनके घर पे गया। कहने का मतलब आपका ये है कि जो आग लगी है जो आज लगी है वो बेहद वो बिल्कुल निश्चित था कि ये चीज कभी ना कभी तो होनी ही है, ठीक है कि नहीं। जिसकी वजह मतलब इनको मैंने अपना कम से कम इन्हीं के जो 50 लोग हैं जो आसपास के हैं उनको मैंने बोला था कि आप ये वाला काम अपने आसपास मत होने दो, गैस को मत निकालने दो, क्योंकि इससे वो तो बच सकता है पर आपके घर में जब आग लगेगी तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ जी बाबा जी, थोड़ा पीछे रहो सर। आज बहुत ही मंदभागा जरा दुर्घटना हुई है, बट परमात्मा ने आज बहुत साथ दिता, कोई भी जानी नुकसान नहीं किया। मैं खास करके भगत सिंह कॉलोनी के नौजवानों का राहगीरा का तहे दिलों धन्यवाद करता है, साढ़े कौंसल साहब का जो समय सिर आ गए। कई बच्चे भी हले अग दे एंड लेडीज भी, ये बहुत बड़ा जो धमाका होया, 7-8 सिलेंडर भी ये फटे है, बेहोश हो गए थे। तो वो नौजवानों ने अपनी जान की लापरवाह करते हुए भी इस घनी अग के वड़े उन्होंने बाहर कढ़िया। तो ये परमात्मा का बहुत शुक्र होया कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, बट माली नुकसान बहुत ज़्यादा होया। लगभग 25-35 जिनका झुग्गियां सीगिया ये सड़कें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तो अनफॉर्चुनेट जोड़े सब तो गरीब आदमी थी जिन्हों का सारी पूंजी इतने लगी हुई थी वो अच्छे बिल्कुल पीए गए। विधायक साहब, जिदा कि ये पता लगा जो स्थानक लोग है वो दस रहे हैं कि भी सिलेंडर भरते थे जिदे करके हादसा वापर है। काफ़ी समय तो पिछले समय तो सिलेंडर भरे जा रहे हैं जी, कोई गल नहीं सी। हले इतने फायर के इंचार्ज भी आए हुए हैं, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन तो पहला असं यह कोई जवाब देते प्रशासन वालों कोई मुआवजा नहीं। अच्छे मैं सारे कौंसल साहबान सारे आए हुए हैं, तो गुरुद्वारा कमेटी में भी असं रिक्वेस्ट की हैगी है, असं सारे ने कॉन्ट्रीब्यूट करके उसे लंगर की प्रोविजन शुरू कर दी है। दुध भी असं वेरका तो मंगा लिया है, तो इन्हों का रहन बसेरा हूँ असं टेंपरेली सामने बना लगे थे। तो बाकी मेरी डीसी साहब न भी गल हो गई है, चंडीगढ़ भी हो गई है, कमिश्नर कॉरपोरेशन न भी गल हो गई है। इन्हों 100% जोड़ा है कि जरा बहुत दुर्घटना जो बहुत वही हुई है, क्योंकि इन्हों को किसी बहुत घट को बैंक अकाउंट होने सारा जी पूंजी से इन जी मेहनत थी वो सारी इन्हों को इतनी सी खत्म हो गई है। एंड आई विल टॉक टू सीएम साहब ऑलसो एंड बाकी मुआवजा जल्द मिल जाएगा। नहीं हले देखो ये एकदम होया है कि ये विल हैव टू हैव टू इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद हूँ इस माड़ी मोटी कोई कितने चिंगारी पै गई होनी कुछ भी हो गया होना, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ पता लगता है। सारे लोग सारे लोग थैंक यू।